और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज चार राज्यों की 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों में से 3 असम, 2 गोवा और 1-1 सीट सिक्किम और त्रिपुरा में शामिल है। जिन सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं उसमें असम की करीमगंज, सिलचर और स्वशासी लोकसभा सीटें हैं। गोवा की 2 सीटों उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। वहीं सिक्किम की एकमात्र सीट और त्रिपुरा पूर्व की 1 सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं सिक्किम के 32 विधानसभा की सीटों के लिए भी आज मतदान हो रहा है। 20 साल से राज कर रहे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को इस चुनाव में नई पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से कड़ी चुनौती की उम्मीद है। 32 विधानसभा सीटों के लिए कुल 121 प्रत्याशी मैदान में है, जबकि लोकसभा सीट के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में है। आपको बता दें कि असम की 5 और त्रिपुरा की 1 सीट पर मतदान के पहले चरण में वोट डाले गए थे, जहां मतदाताओं ने जमकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। जो ट्रेंड 3-4 बूथ पे दिख रहा है इधर, उससे क्लियर है कि हमारा वोटर बड़ी संख्या में सुबह में निकल रहा है बाहर, बिकॉज दीज आर स्ट्रांग होल्ड्स। ऑल द 3 बूथ्स आर एक्सट्रीम स्ट्रांग होल्ड। ऑफकोर्स पणजी फुल इज अ स्ट्रांग होल्ड, बट दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। 80% वोटिंग वाला वोट्स है हमारा, 75-80%।